वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम एक खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों होली के टाइम पर दोस्तों बहुत बुरी यहां पर खबर सामने आई है, और दोस्तों ये वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी वायरल भी हो रहा है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी एक ऐसी सरकार है भारत के अंदर जहाँ पर इंसाफ किया जाता है, तो दोस्तों क्या इन लोगों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर बड़ा एक्शन लेंगे इन लोगों के खिलाफ? क्योंकि ये हिंदुत्व लोग थे, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने यहाँ पर इतनी घिनौनी हरकत किया और हिंदू समाज को यहाँ पे नीचे गिराया है, और जय श्री राम को भी यहाँ पे नीचे बताया है। तो दोस्तों क्या जय श्री राम बोलने वाले, जय महाकाल के नारा लगाने वाले क्या ऐसी हरकत करते हैं? क्या इतनी नीच हरकत करते हैं जय श्री राम बोलने वाले? आज की होली का नाम है बोलने वाले क्या इतनी शर्मनाक हरकतें करते हैं दोस्तों? तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी बातों को नोटिस किया दोस्तों। मैंने देखा इस वीडियो को दोस्तों, बहुत बुरा लगा जब मैं उस वीडियो को देख रहा, तो मेरा दिल भी यहाँ पर रोने लगा कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर। एक हमारा भारत देश है, इस भारत देश के अंदर सभी हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ईसाई सब भाई भाई तरीके से रहते हैं, सब एक दूसरे को भाई बोल कर रहते हैं। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर ही मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब भेदभाव करते हैं दोस्तों, और किसी धर्म के समुदाय के लोगों को यहाँ पर अपमानित करते हैं, उनकी इज्जत पर हाथ डालते हैं। दोस्तों ये कितनी गिरी हुई हरकत की। और दोस्तों बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मतलब बहुत ऊंची-ऊंची बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, ठीक है, धर्म को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर मानते हैं। उसी धर्म के अंदर यहाँ पर यह सब हुआ, उसी यूपी के अंदर जहाँ पर मतलब योगी आदित्यनाथ धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों ये मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो भी तो एक धर्म है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी तो एक धर्म के अंदर आते हैं, तो दोस्तों उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं 6 लोगों को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 6 लोग के अलावा काफ़ी लोग थे। अगर मैं अनुमान लगाऊँ तो दोस्तों मिनिमम 15-16 जने थे, 15-16 जनों की वो ट्रोली थी जिन्होंने यहाँ पर वो 3 लोगों के ऊपर वारदात की थी, और 3 लोगों के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती उनके ऊपर करार लगाया, पानी डाला दोस्तों, जबकि वो एक मुस्लिम समुदाय से थे। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जो करार लगाने वाले थे, जो पानी फेंकने वाले थे, उनको जरा सा भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो है ना रमज़ान से भी तो हो सकते, वो उनके रोज़ा भी तो हो सकता है, वो रमज़ान से भी हो सकते, तो उन लोगों ने उनके रमज़ान को अभी तोड़ सकते हैं ना, उन लोगों ने रमज़ान भी तोड़ा होएगा। अगर वो रोज़े से होंगे तो उनका रमज़ान भी टूट गया होएगा, क्योंकि उनके ऊपर कदर लगाया, उनके ऊपर पानी फेंका, गंदा पानी उनके ऊपर फेंका गया। तो दोस्तों मतलब ये बहुत बुरी हरकत थी, बहुत ही गंदी हरकत थी दोस्तों। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और दोस्तों मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको भी मतलब ये सही लगा, क्या आप जो है दोस्तों उन लोगों को सलाम भी देना चाहते हो जिन लोगों ने मतलब उनको भी उनको बाइक से सीधा अपने घर के लिए जा रहे थे, उनकी बाइक को ज़बरदस्ती रुकवाया गया और ज़बरदस्ती उनके करार लगवाया गया, ठीक है, उसकी मम्मी उसकी बहन, ठीक है, और शायद उनका भाई था, ठीक है, उनको रुकवा कर उनका करार लगवाया गया, ज़बरदस्ती उनको पापा पानी फेंका गया दोस्तों। तो ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा हिंदू धर्म है दोस्तों? क्या हिंदू धर्म के अंदर ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती किसी को अपमानित करो? हाँ, क्या हिंदू धर्म जो है हमको ये सिखाता है कि किसी को भी रोक कर आप उसे अपमानित कीजिए, आप उसकी इज्जत पर हाथ डालिए? तो ये नहीं सिखाता। जय श्री राम, जय श्री राम का मतलब अगर जानते हैं ना तो बताऊँ वो बाइक नहीं रोकते। जय श्री राम, जय महाकाल, ये वो लोग हैं ना जिन्होंने मतलब सृष्टि एक बोले तो सृष्टि को बहुत टॉप पर लेकर गए, ठीक है। सृष्टि के बाद जय श्री राम की बात करें दोस्तों, तो जय श्री राम तो वो इंसान था ना जिसने औरतों की इज्जत करी। अगर औरत सामने से जा रही होती जय श्री राम के, ठीक है ना, तो वो बताऊँ अपनी आँखों को नीचे झुका लेते। तो जय श्री राम तो वो इंसान था ना कि ना हर औरत की नज़र में ना ऊँचा दर्जा था जय श्री राम का। लेकिन हमारे भारत के लोग जो जय श्री राम का नारा लगाते वो लोग वो यहाँ पर मतलब गिरी हुई हरकत करते बोले तो कुत्ते वाली हरकत करते हैं दोस्तों। हाँ, तो मतलब इतनी घिनौनी हरकत करते हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जो जय श्री महाकाल का नारा लगाते हैं, और उनकी हरकतें देखो आप कितनी गिरी हुई हरकतें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का एक गांव होंडे डंगियों में जय श्री राम बोलने वालों ने अपना धर्म का सच साबित किया। जय श्री राम बोलने वाले इतने गलत इंसान भी बन जाते हैं, जय श्री राम
तो वो था जिसने कभी औरतों की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा, सब औरतों की इज्जत करता था। लेकिन भारत के कुछ अंधभक्त खुद को जय श्री राम बोल रहे हैं और इनकी हरकत गिरे हुए लोगों वाली है। आप देख सकते हो कि इस वीडियो में क्या हुआ। वो मुस्लिम लोग जिन पर करार और पानी डाला गया, जो एक गंदा पानी था, वो लोग रमज़ान से भी हो सकते थे। ये हिंदुत्व लोग कैसे भूल गया कि इस बात को कैसे इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हिंदुत्व लोग थे जिन्होंने करल लगाया और जिन्होंने गंदा पानी उनके ऊपर डाला, उन तीनों के ऊपर दोस्तों, तो वो लोग कैसे भूल गए कि ये रमज़ान से भी हो सकते हैं, इनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, इन्हें मतलब रास्ते रास्ते इनको जाना चाहिए। ठीक है ना, उनको साइड देनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं करा। उन्होंने मतलब उन लोगों ने ज़बरदस्ती उनकी वाइफ को रुकवा कर उनके साथ मतलब ज़बरदस्ती की दोस्तों, और उनकी माँ बहनों के ऊपर भी मतलब उनकी इज्जत पर भी हाथ डाला दोस्तों। ये बहुत बुरी बात है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ये सब हुआ। तो दोस्तों इसी के अंदर यहाँ पर बताया गया कि इतनी बड़ी गलती कर दी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को इन लोगों पर कानून कार्रवाई करनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को इन लोगों पर कड़ी कानून कार्रवाई करनी चाहिए। और गिरफ्तार करने से कुछ भी नहीं होता है, गिरफ्तार करने से कुछ भी नहीं होता है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको गलती का पछतावा होना चाहिए, जिससे भारत के अंदर फिर कभी ऐसे लोग के भारत के अंदर फिर कभी ऐसे लोग कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान नहीं कर पाए और दूसरे धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती रोक कर उनके इज्जत पर हाथ नहीं डाल पाए। ठीक है, उन्हें ज़बरदस्ती अपमानित नहीं किया जाए। इनके ऊपर वैसे तो 3-4 धारा लागू होती है, वैसे तो अब ये देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं जो नारी शक्ति योजना की बात करते हैं। और दोस्तों बीजेपी का एक नारा है कि बीजेपी के अंदर एक बात बोलते हैं पीएम मोदी, ठीक है, नारी शक्ति योजना। नारी शक्ति योजना का मतलब होता है सारी नारियों को एक सम्मान देना, बोले तो उनकी इज्जत करना, लेकिन यूपी के अंदर उन्हीं नारी के साथ उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया। ठीक है ना, उनके साथ बदसुल्की की गई, उनको उन लोगों को मतलब अपमानित किया गया, जिसके अंदर उसकी बहन भी थी और उसकी माँ भी थी, उन लोगों को अपमानित किया गया दोस्तों। तो ये नारी शक्ति योजना कैसे हुई, यहाँ पर नारी शक्ति योजना कैसे हुई पीएम मोदी की, सबसे बड़ी बात है। जो नारी शक्ति योजना की बात करते हैं और उनके राज में ये सब हो गया, बहुत गिरी हुई हरकत है कि इन लोगों ने शर्म आनी चाहिए, बहुत गिरी हुई हरकत की, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं, और दोस्तों किसी को भी अधिकार नहीं जो दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ करे, और किसी को भी अधिकार नहीं जो दूसरे धर्म के साथ खिलवाड़ करे। होली आप लोगों का त्यौहार है, होली आप लोगों का त्यौहार है, खेलो, लेकिन ऐसे गिरी हुई लोगों की तरह हरकत ना करो, और ऐसे गिरे हुए लोगों की तरह हरकत ना करो। इससे पता चलता है कि भारत में नीच लोगों की कमी नहीं है, और इससे पता चलता है कि भारत में नीच लोगों की कमी नहीं है जो खुद को जय श्री राम बोलते हैं, उनकी हरकत ऐसी होती है, जो कोई भी देखे, तो शर्म आए, जो जय श्री राम का नारे लगाते हैं और उनकी हरकत अगर कोई भी देखेगा तो शर्म आएगी। दूसरे धर्म का लोगों का अपमान किया, जो जय श्री राम जय महाकाल के नारे लगा रहे थे, उन लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों का अपमान किया। ये हिंदू समाज के लिए बहुत घिनौनी बात है, कि जय श्री राम बोलने वाले और जय श्री राम को ही बदनाम कर रहे, जिसको ये लोग अपना भगवान मानते, उसी भगवान को नीचे गिराने में लगे हुए, और जिसको जय श्री राम के नारे बोलने वाले वो अपने जय श्री राम को ही बदनाम कर रहे। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि उसी भगवान को नीचे गिराने में लगे हुए। मुझे शर्म आती है कि जय श्री राम पर इतनी गंदी हरकत करते हैं, क्योंकि जय श्री राम के बारे में मैंने भी पढ़ा है, रामायण मैंने भी देखी है, ठीक है, महाभारत मैंने भी देखी है दोस्तों। मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरे भी यहाँ पर वो हिंदू दोस्त है और मुझे ना हिंदू समाज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और जय श्री राम के बारे में मैंने ना बहुत सारी बातें पढ़ी है, वो कैसे इंसान थे उनके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने वाले इतने गिर जाएंगे, इतनी घिनौनी हरकत करेंगे, ये बहुत अफसोस वाली बात है कि जय श्री राम को बीच में लेकर जय श्री के नाम पर मतलब लोगों को परेशान करते हैं।
इसी के अंदर बताया गया कि ऐसे लोगों पर यूपी सरकार ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और ऐसे लोगों पर ऐसे और उन्होंने यूपी सरकार ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि बहुत लोग थे जिन्होंने इतनी गंदी हरकत की और लोगों की क्या पूजा कर रहे हो, उनको भी अरेस्ट करो। हिंदू मुस्लिम करने वालों की इज्जत 2 कौड़ी की होती है, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों की इज्जत 2 कौड़ी की होती है। आजकल पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी नीच लोगों जैसी हरकत कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ हो गए हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अंधभक्त कुछ ज़्यादा ही हो गया। और मोदी के राज में तो मोदी बोलता है हमने माता बहनों के लिए, मोदी जी बोलते हैं कि हमने माता बहनों के लिए यहाँ पर नारी शक्ति योजना चालू की है। दोस्तों आप सभी को पता है कि मोदी सरकार यहाँ पर भाषण के अंदर बोलती है, जहाँ भी आज जाती है, जहाँ भी मतलब उनका भाषण होता है तो वहाँ पर एक बात जरूर बोलते हैं कि भारत के अंदर हमने माँ बहनों के लिए नारी शक्ति योजना लागू की है, जिससे यहाँ पर सभी नारियों को सम्मान मिलेगा, उनकी इज्जत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होएगा। लेकिन यूपी के अंदर क्या हुआ, यूपी का वायरल वीडियो आप सभी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं बस यूपी सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूँ, यूपी सरकार से बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर 3-4 जो भी धाराएं लागू होती है वो सभी धाराएं इनके ऊपर लगाई जाए, ताकि भारत देश के अंदर फिर कभी कोई भी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा पाए और दूसरे धर्म के लोगों को बीच रास्ते में रोककर उनसे ज़बरदस्ती ना किए जाए, उनके धर्म को अपमानित ना किया जाए, उनके इज्जत पर हाथ ना डाला जाए। तो मैं यूपी सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, इनके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून की कार्रवाई की जाए। यूपी गवर्नमेंट सभी लोगों को अरेस्ट करो। धर्म की बात करते हो, आप सबसे ऊपर धर्म को रखते हो, आपके राज में ही इतनी बड़ी बात हो गई, मुस्लिम लोगों के साथ ये बहुत गलत किया है, सभी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिससे फिर कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर पाए, ज़बरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों को रोक कर उन्हें अपमान नहीं किया जाए। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ यूपी सरकार से कि जिन लोगों ने जो यहाँ पर मतलब है ना, ये 6 लोगों को तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया और कुछ नाबालिग भी थे, लेकिन दोस्तों इनकी जो संख्या थी दोस्तों वो मिनिमम मैंने भी यहाँ पे वीडियो के अंदर अनुमान लगाया था, मिनिमम जो इनकी संख्या है वो यहाँ पर मिनिमम 15-16 के लगभग इनकी संख्या थी, वहाँ पर एक ट्रॉली थी दोस्तों, ठीक है ना। तो इन्होंने मतलब उनको बीच रास्ते में रोका था दोस्तों और उनके साथ मतलब इस तरीके से अपमानित किया गया। तो दोस्तों ये बहुत गिरी हुई हरकत थी दोस्तों, तो यूपी सरकार को यहाँ पर जो है दोस्तों यूपी सरकार को ना जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जो इन्होंने 6 लोगों को अरेस्ट किया है उन्हीं से पूछताछ करके और लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको उन तीनों लोगों को यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए जो मुस्लिम लोग थे जिनके साथ इतना बड़ा अपमान हुआ, ठीक है ना, जिनके साथ मतलब इतनी ज़्यादा बदसुल्की हुई, ठीक है ना, उनके इज्जत के ऊपर, उनकी माँ बहनों के ऊपर मतलब हाथ डाला गया, उनके ऊपर पानी डाला गया। दोस्तों आपने उस वीडियो में देखा होगा कैसे उस लड़की के ऊपर पानी डाला जा रहा था, कैसे उस माँ के ऊपर पानी डाला जा रहा था। दोस्तों कितनी शर्म वाली बात है, अगर कोई हमारी माँ बहनों के ऊपर अगर ऐसे कोई पानी डाले तो हमें कितना गुस्सा आएगा। दोस्तों सोचो एक बात, आप सभी के घर के अंदर माँ बहन है, ठीक है ना, अगर आपकी माँ बहन के ऊपर, ठीक है, बीच रास्ते में रोक कर अगर पानी डाला जाए तो ये कितनी शर्म वाली बात है दोस्तों, आपको डूब जाना चाहिए कि आप इतनी गिरी हुई हरकत करते हो कि आपके घर के अंदर भी तो माँ बहन थी, आप कैसे भूल गए इस बात को, आपको भी तो किसी ने जन्म दिया था, जो तुम भी तो अपनी माँ की कोख से निकला, आज तूने उसी माँ की कोख को तूने अपमान किया, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, आज उसी माँ को तूने अपमानित किया। दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरी बात होती है कि जो बॉयस होते हैं वो इतने गिरे हुए बन जाते हैं ना, जिसकी कोई याद नहीं, जो मतलब नारी जो होती है उस नारी की इज्जत करना ही भूल जाते हैं, यहाँ पर लड़की औरतों की इज्जत करना ही भूल जाते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि मतलब इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं, जो अभी भारत देश के अंदर जो एक पवित्र देश है, जिस भारत देश के अंदर लोग तारीफ करते, विदेशों के अंदर तारीफ करते, बोले तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए यहाँ पर जाना जाता है भारत देश, आज उसी भारत देश के अंदर
अंदर यहाँ पर इतनी बुरी बुरी बातें देखने को मिल रही है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इतना बड़ा बेसुल्की देखने को मिलती है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है और सरकार जो है हमारी वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ हाथ पे हाथ रख कर बैठी होती है। तो आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को, हमारी भारत सरकार को भी देखना चाहिए, जहाँ भी गलत होता है तो तुरंत कानून कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे भारत सरकार का जो कानून है उसको बनाए रखें और भारत सरकार के कानून के अंदर जो भी मतलब धाराएं होती है वो सभी धाराएं जो मतलब इस जो घटना के ऊपर जो लागू होती है, इस घटना के ऊपर जो धाराएं लागू होती है वो सभी धाराएं उन लोगों के ऊपर लगाई जाए, ताकि वो जीवन के अंदर फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं कर पाए किसी भी धर्म के लोगों के साथ। तो दोस्तों हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी इन बातों से आपको क्या लगा, क्या मैंने इन लोगों के ख़िलाफ़ गलत बातें बोली है, क्या मैंने सही बातें बोली है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी राय क्या है इन लोगों के ख़िलाफ़। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।